चाइना ने इधर में आर्मी बैठा दिया, इधर मोइजू को बैठा दिया, पाकिस्तान को तो परमानेंटे खरीद लिया, अफगानिस्तान से हम खुद ही बाहर आ गए, नेपाल भूटान का तो देख ही रहे हैं क्या कंडीशन चल रहे हैं आप। राष्ट्र अगर रहेगा ना ही हम जिंदा बचेंगे। मैं तो म्यांमार भारत के फेवर में जा रहा था, तो फेवर में जा रहा था तो म्यांमार चाइना ने म्यांमार की सेना को पैसा दिया और कहा कि आंग सांग सू की वहां की जो प्रधानमंत्री थी, इसको भरो भरो इसको, उसको जेल में डाल दिया। जैसे पाकिस्तान में मेरे चचा को किसे जेल में डाल दिया, वैसे उसको बुआ को भी जेल में डाल दिया। आंग सांग सू की बुआ कहाँ चल गई, चल गई जेल। अब वहां सेना का तख्ता पलट कौन कर दिया, आर्मी, और कहा हमारा शासन रहेगा, और आर्मी का शासन रह रहा है उस किसके फेवर में है, चाइना के फेवर में। तो इधर में आर्मी बैठा दिया, इधर मोइजू को बैठा दिया, इधर अपना पाकिस्तान को तो परमानेंटे खरीद लिया, अफगानिस्तान से हम खुद ही बाहर आ गए हैं, नेपाल भूटान का तो देख ही रहे हैं क्या कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग विश्व गुरु। आपको ये सब कैसे पता, आँख खोल के रखते हैं हम, बंद करके नहीं, समझ में आ गया। हमारे लिए जाति धर्म राजनीति ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। राष्ट्र अगर रहेगा ना, राष्ट्र, तो ही हम जिंदा बचेंगे। चाहे हमारा धर्म बचेगा, जाति बचेगी, हम बचेंगे यहाँ पर, नहीं तो सब नाश देगा सब, वहां पर सब ए टू जेड नाश देगा सब यहाँ पर। आज अगर चाइना कब्जा कर ले, हम लोग को कीड़ा मकोड़ा खिलाने के लिए मजबूर कर देगा, जितना होटल है सब पे कर देगा, दाल चावल पापड़ ये सब जितना कुछ नहीं रहेगा, सब यहाँ कीड़ा मकोड़ा रखेगा। जिस दिन भूख लगेगी हम लोग मजबूरी में खाएंगे, और बाद में जो हमारे बाद पीढ़ी आएंगी वही मगरमच्छ कुत्ता बिलार सब खाने लगेंगे सब यहाँ पे, पूरी तरह चाइनीज होकर रह जाएंगे हम लोग। ऐसे ही ना चीजें बदलती हैं, एक पीढ़ी को सताया जाता है अगली पीढ़ी एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी अगली पीढ़ी भूल जाती है कि हमारा इतिहास क्या था। तीन पीढ़ियां लगती हैं किसी चीज के इतिहास बदलने में। चाइना के मामले में हम लोग मोए मोए हो जाते हैं, समझ आ गया कि नहीं, क्या हो जाते हैं, मोए मोए। हमको लगता है इस बॉर्डर का नाम रख देना चाहिए मोए 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 मोए। मैकमोहन नहीं, मोए मोए मैकमोहन नहीं, मोए मोए, समझ गया। हम लोग भी गजब हैं, बकरी देख के शेर बन जा रहे हैं और यहां मोए मोए हो जा रहा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, म्यांमार बहुत गड़बड़ था हम लोग से, बहुत तकलीफ आज भी होता है जब नक्शा देखता आदमी, कितना तकलीफ होता है यहां, समझ आ गया कि नहीं आ गया। और रोहिंग्या समस्या भी नहीं होता, यही के तो थे सब ये समस्या तो यही के थे सब, हेल गया सब। या तो एक और कह सकते हैं कि जब आए हो तो जमीन भी लेके आओ, आए हो तो आधा म्यांमार लेके आ जाओ, आदमी रख लेगा, काहे नहीं रख लेगा, जमीनवा लेके आ जाओ यार, काम कर।